नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया भला आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल प्रिया भला द ऑप्टिमिस्ट पे। ये दिवाली स्पेशल मैं एपिसोड्स लेकर आ रही हूं आपके लिए और इसमें हम बात करेंगे प्रॉस्पेरिटी की, इसमें हम बात करेंगे प्रोग्रेस की, इसमें हम बात करेंगे अपने लाइफ के अंदर हर तरीके की खुशियों को अट्रैक्ट कैसे करें, कैसे ये वाली दीपावली और आने वाली हर दिवाली हमारी यादगार बन जाए। ऐसा क्या करें मैं और आप जो हमारे घर में खुशहाली आ जाए, बच्चों का बिजनेस बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाए, हेल्थ हमारी बहुत बेटर हो जाए, सबकी मेंटालिटी पॉजिटिव हो जाए, घर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल हो जाए। ऐसा क्या करें मैं और आप कि हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हो जाएं? तो चलिए बात करती हूँ कुछ ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको और मेरे को ज़रूर करने चाहिए। जी हाँ, मैंने तो तैयार कर लिया है, मैं तो सब कुछ प्लानिंग करके बैठी हुई हूँ, तो चलिए आपके लिए बताती हूँ। नंबर वन थिंग, जो भी आसपास चले दिवाली तक, लाइक टुडे इज अगेन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर, कुछ भी हमारे जीवन में चले आपको और मेरे को परेशान नहीं होना ये आने वाले एटलीस्ट 15 डेज टिल दिवाली। आई एम टॉकिंग दिवाली तक आपको मेरे को किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना, जस्ट गो विद द फ्लो। सबसे पहली चीज़, जितने भी आप रिचुअल्स कर लो, जितने भी आप स्पेल्स कर लो, लेकिन अगर आप अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव नहीं होते, अगर आप अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं करते, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होता। ये तो आप भी मानेंगे मेरे साथ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने जीवन के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर आना है कि मेरे जीवन में जो भी होने वाला है वो बहुत खूबसूरत होने वाला है, मेरे जीवन में जो होगा आगे बहुत ब्यूटीफुल होगा, मेरा जीवन बहुत उससे बेटर है, मेरे बच्चे बहुत ब्लेस्ड है, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव देम इन माई लाइफ। आपको ये अफर्मेशंस, ये बातें, ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग को बार 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 देनी पड़ेंगी। बाबू, अगर अट्रैक्शन करनी है पॉजिटिविटी, अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है, अगर जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां चाहिए, तो जो एटीट्यूड है, जो परसेप्शन है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो जीवन में देखा है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आज नहीं तो कल आप सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आप चाहते हैं। जी हाँ, जो भी आप चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं और आज से प्रॉमिस करते हैं मेरे साथ कि प्रिया मैम हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहेंगे, तो बाबू प्रोग्रेस ज़्यादा दूर नहीं है, अबंडेंस ज़्यादा दूर नहीं है, खुशहाली ज़्यादा दूर नहीं है, बिलीव मी। तो सबसे पहले, दिवाली अप्रोचिंग वेरी सून, आई नीड योर दिवाली माइंड। दिवाली मतलब खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, ऑल सेलिब्रेशन अराउंड। तो मुझे क्या चाहिए आपके दिमाग से, मुझे चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, खुश हैं, यू ड्रेस अप योर सेल्फ एवरी डे, मॉर्निंग में रोज सुबह उठ के अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को खूबसूरत बनाना इज योर अटमोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं लगेंगे तब तक आप सिचुएशंस को ब्यूटिफुली नहीं ले पाएंगे। दिस इज हैंस प्रूव्ड, आई हैव सीन मैनी पीपल जो अच्छे से नहीं रहते, अपने आप को एक्टिव नहीं रखते, अपने आप को वाइब्रेंट नहीं रखते, लाइवली नहीं रखते, दे टेक लिटिल मोर टाइम टू एडजस्ट इन दिस ऑन दिस प्लानट अर्थ। सो थोड़ा सा कोशिश करिए खूबसूरत दिखने की, बिकॉज एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस प्लानट अर्थ इज ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, वी ऑल आर ब्यूटिफुल। सो सबसे पहले अपने आप को खुश करना है, अपने आप को तैयार कर लीजिए, दिवाली इज अप्रोचिंग। दिवाली एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ हम बहुत ब्यूटिफुल से रिचुअल्स करके अपने जीवन के अंदर हम खुशहाली, प्रोग्रेस, अबंडेंस, जीवन का हर सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ दिवाली सीरीज के अंदर, यह हमारा फर्स्ट एपिसोड है जिसके अंदर मैं आपसे बात करूंगी आपकी पॉजिटिविटी की, आपके लाइफ के मेंटालिटी की, आपके सोचने का नज़रिया क्या है जीवन को, क्या आप बहुत नेगेटिव हो, क्या आप एक्टिव फील नहीं करते हर वक्त, क्या आपको पिछला आपका नेगेटिव बहुत याद रहता है। तो बाबू आज से सबको एक बिग नो, जब आपको कोई नेगेटिव ध्यान आए तो आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या सिखाया था, कैंसिल क्लियर डिलीट, आपको वो मोमेंट आपको कैंसिल कर देना है, कैंसिल क्लियर डिलीट, एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आगे का सोचेंगे बिट्टू, ठीक है, सबसे पहली चीज। नाउ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू नियर दिवाली एंड यू कैन डू इट फ्रॉम टूडे ओनली, वॉट इज दैट, आई विल लेट यू नो। बिफोर दैट स्माइल एंड थिंक दैट अबंडेंस इज अप्रोचिंग एट योर डोर स्टेप। स्टेप की जो आपको दिवाली तक रेगुलर करना है, क्या करना है आपको दिवाली तक रेगुलर, आपको केसर लेना है,
आपको प्योर हल्दी लेनी है, और साथ के अंदर आपको अगर कोई आपके घर में चंदन अगर पाउडर मिल जाए मुझे तो बहुत अच्छा है, अगर चंदन पाउडर अवेलेबल नहीं है डू नॉट वरी, सिंपली टेक केसर एंड योर कुमकुम, जो हमारी लाल वाला टीका जो हम कुमकुम लगाते हैं माथे पे, आपको सिंपली वो लेना है और डेली अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाना है लेफ्ट एंड राइट बोथ द साइड्स। अगर आप कहते हैं प्रिया मैम मेरे घर के राइट और लेफ्ट नहीं है, आई हैव ओनली वन यू नो स्पेस टू मेक स्वास्तिक, नो प्रॉब्लम बाबू, आप एक तरफ स्वास्तिक बना सकते हैं, अपने घर के दोनों तरफ बना सकते हैं। अब क्या करना है, अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप अपने घर की हर वॉल पे, एटलीस्ट एक रूम की एक वॉल के ऊपर कहीं कॉर्नर के अंदर स्वास्तिक बना दीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वास्तिक इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिंबल, मैं आपको बता नहीं सकती है कितना पावरफुल सिंबल है, और आप एक बार ट्राई करके देखिए इसको, आपको पता लगेगा कि आपके घर की एनर्जी इस दिवाली तक कितनी प्योर कितनी पॉजिटिव हो जाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे बाबू। तो एक बारी दिवाली से पहले और दिवाली तक, टिल दिवाली डेट, जब तक दिवाली है 14th November, तब तक आप डेली अपने घर के बाहर उसी के ऊपर बार बार स्वास्तिक बनाते रहें। और स्वास्तिक किससे बनाना है, केसर ले लीजिए और कुमकुम ले लीजिए, चंदन मिल जाए बहुत अच्छा, और एक हल्दी मिल जाए, केसर मिल जाए, कुमकुम मिल जाए, चंदन मिल जाए, जो मिल जाए आपको। अगर आप कहते हैं कि प्रिया मैम कुछ भी नहीं है, तो बाबू सिंपल हल्दी ले लो किचन का, उससे आप स्वास्तिक डेली अपने घर में बनाइए, हर वॉल के ऊपर बनाइए अगर पॉसिबल है। अगर बाबू पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट बाबू अपने किचन की वॉल पे बना दीजिए, कहीं भी बनाइए। स्वास्तिक इतना वाइब्रेंट सिंबल है, इतना एनर्जी है उस सिंबल के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकती। जो भी नेगेटिविटी है, आपने देखा है दिवाली से पहले बहुत ब्लैक मैजिक होता है घरों पे, बहुत ज़्यादा ईवल आए, ईवल कर्सेस, ऊपरी हवा आपने महसूस की होगी घरों में होती है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं और वो गलत नहीं करते, बहुत लोग करते हैं ब्लैक मैजिक। सो उससे बचाने के लिए, आपके घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके घर का भी एक ऑरा है, आपके घर की भी एक एनर्जी है बाबू, उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ स्वास्तिक बनाना। अपने घर के मेन डोर पे, अपने घर के अंदर आएंगे तो अंदर आके अपने लकड़ी के जो हमारा मेन डोर होता है, वुडन जो हमारा डोर होता है, यू कैन मेक अ स्वास्तिक इन द सेंटर ऑफ दैट डोर, सो दैट नो नेगेटिविटी कैन एंटर इन योर हाउस। बिलीव मी देर विल बी नो नेगेटिविटी। और जो आपकी ऑलरेडी है नेगेटिविटी आपके घर में, तो आपने मेरी कितनी वीडियोज देखी होंगी दिवाली की, कि सफाई करो, डी क्लटर योर होम, अपने घर को बिल्कुल साफ कर दो, जितनी भी नेगेटिविटी जितनी भी गंदगी है अपने घर से सब निकाल दो, बोला ना बाबू मैंने आपको कितनी बारी। तो अगर आप सफाई कर चुके हैं या स्टार्ट कर दिया है आपने, सो दिस इज द राइट टाइम टू मेक स्वास्तिक विद केसर, हल्दी, चंदन एंड द लाल टीका, दैट रॉली, वी कॉल इट एज रॉली आई थिंक, क्या तो आप रॉली से वो बना सकते हैं। ये तरीका है एनर्जीज को बैलेंस करने का अपने घर में। उसके बाद मैं हमेशा बताती हूँ टू मेक योर टू रिफ्रेश द एनर्जीज, अपने घर की एनर्जीज को रिफ्रेश करना कैसे करना, मैंने आपको हमेशा बताया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई भी डेकोरेटिव पीस है वो ऐसे करके रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डेकोरेटिव पीस इन योर होम, दिस इज अ वास और मे बी अ कैंडल लाइट समथिंग, यू नो स्टैंड इन योर होम, देयर आर मेनी शो पीसेज इन अ हाउस, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में जो शो पीसेज की तरह हम यूज़ करते हैं, उनको अपनी जगह से हटा के थोड़ा सा हिला के रखिए। 27 एनर्जीज को हमें शिफ्ट करना है, काउंट करिए। और ये आपको कब करना है, दिवाली से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, जब आपको बाबू टाइम मिल जाए, आप एक बारी मेरे कहने से इस तरीके को अपना के देखिए। इसे कहते हैं रीशिफ्टिंग और एनर्जाइजिंग योर होम, अपने घर की एनर्जीज को बैलेंस करना। और वास्तु के हिसाब से हमारे घर में जो चीज़ एक जगह पे पड़ी है, वहाँ पर एनर्जी स्टेग्नेंट हो जाती है, वहाँ पर एनर्जी रुक जाती है बाबू। तो उस एनर्जी को चेंज करने के लिए, उसकी एनर्जी जो वाइब्रेशंस आ रही है हमारे घर पे, आपके ऊपर मेरे ऊपर जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा लैम्प है, तो मैं इस लैम्प को आगे करके थोड़ा सा पीछे कर दूंगी, ऐसे मैं 27 चीजें अपनी घर की जरूर हिलाऊंगी दिवाली आने से पहले। इसका मतलब होता है रीशिफ्टिंग द एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को घर की चेंज करना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एज अ वास्तु एक्सपर्ट मैं आपको बता रही हूँ, बहुत पावरफुल है ये दोनों टिप्स। नंबर वन टिप सेम मैंने आपसे बताया, नंबर सेकेंड इज स्वास्थ्य बनाना अपने घर के अंदर, अपने केसर ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, चंदन,
कुछ भी आपको मिल जाए, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप वॉज कि 27 आइटम्स को आपने अपने घर के अंदर हिलाना है, यू हैव टू मूव देम, जस्ट लिटिल शिफ्ट, लिटिल फॉरवर्ड, लिटिल बैकवर्ड। अभी मैंने आपको लैम्प दिखाया था बाबू के, लैम्प कैसे करना है, सिंपल लैम्प आपने हिला के वापस रख देना है, चाहे उसी जगह पे रख दीजिए चाहे किसी और जगह पे रख दीजिए। 27 आइटम्स आपको अपने घर के जरूर ये लाने हैं बिफोर दिवाली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसके अंदर बहुत दूसरे पावरफुल टिप्स होंगे। ये हमने बात करी थी बहुत ज्यादा पावरफुल टिप्स की, जो तीन टिप्स थे, स्माइल, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड शिफ्टिंग योर थिंग्स, अपने घर की चीजों को हिलाना अपनी जगह से। 27 चीजों को जरूर हिलाना क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, तो जब हम 27 चीजों को हिलाएंगे तो डेफिनेटली आपके घर के अंदर जो स्टेगनेंट एनर्जी थी, जो रुकी हमारी हुई जो ऊर्जा थी घर में, वो हिलेगी, तो आप देखेंगे कि आपके घर में खुशहाली, बहुत अच्छा सा मूड रहेगा लोगों का, बहुत अच्छी सी एनर्जी रहेगी उनका, उनका एक शिफ्ट आप फील करेंगे बॉडी के अंदर, आपको लगेगा कि मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। करके देखो और अपने घर को डीक्लटर करो, अपने घर की सारी गंदगी को हटाओ, जितनी चीज़ें आपको लगता है हट सकती हैं बाबू जल्दी से जल्दी हटा दो, प्लीज डू दिस। और अपने घर के अंदर जितनी भी ड्रॉर है उसके अंदर न्यूज़पेपर्स नहीं बिछाना, न्यूज़पेपर नेगेटिविटी देता है। सो दिवाली इज अप्रोचिंग, अपने वो जो रैपिंग पेपर्स होते हैं ना मार्केट में मिलते हैं, गिफ्ट को हम रैप करते हैं, वो पेपर्स को आप अपने घर के अंदर बिछा लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एटीट्यूड स्माइल, और मॉर्निंग में उठते ही कोई ना कोई लक्ष्मी माँ की आरती, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई मंत्र जरूर लगाइए, और नहीं कुछ और कर सकते तो श्रीम ब्रिजी जो मंत्र है दैट इज़ वेरी पावरफुल, उसको करके देखिए और मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, श्रीम ब्रिजी, हैप्पी दिवाली, और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपने यूट्यूब व्यूअर्स के लिए बहुत प्रे करती हूँ और दिल से प्रे करती हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल फ्रॉम कोर, हैप्पी दिवाली, मे माँ लक्ष्मी ब्लेस यू ऑल इन अबंडेंस।